क्लास टेंथ के सभी विद्यार्थियों, 9 फरवरी के दिन जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल पेपर लाया हूँ। जी हाँ, रियल नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि 50 से 60 नंबर का इसी पेपर में से आपका फंसेगा। चलिए तो शुरू करते हैं ना। वर्धताम इतस्मिन पदे पुरुष अस्ति प्रथम पुरुष, अपसियन इतस्मिन पदे लकार लंग लकार, व्रत वर्तते इतस्मिन पदे धातु अस्ति, तो व्रत धातु आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेस्यसी तस्मिन पदे वचनम अस्ति एक वचनम, पराजय तस्मिन पदे उपसर्ग, तो परा अधोलिखित है उपसर्ग नास्ति, तो अस अस आ जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर रिक्त स्थान की, तो इसमें रामा आ जाएगा। मना अपूर्णम अस्ति अस्मिन वाक्ये, तो मनहा, ठीक है, यहाँ से रिपु आ जाएगा, यहाँ से दिवाकर। बढ़िया से करो कंप्लीट, घबराओ क्यों, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। कंधे से कंधा मिलाकर अपन पढ़ रहे हैं, इसी में से आपका 40 से 50 नंबर का फंसने के चांस है, ठीक है। आप तो पढ़ते जाओ, इसके अलावा भी पढ़ो, पर लेकिन इसको पढ़ते जाते जाते इसको पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक पदेन उत्तरम लिखते, तो कथिता इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, कथिता में कत प्रत्यय है। पठन इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, पठन में, पठन में आपका श्रत आ जाएगा। इसका कत्वा जाएगा। अत्र जीवितम किम दर्शम जातम दुर्वाहम, बुद्धिमति कुत्र व्याघ्रम दर्दसा, दुर्वाहम हो गया और गहन कानन आ जाएगा। और यहां पर इसका जाएगा शिशु, हो गया। शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना, इति लिखते। तो रामेन इतस्मिन पदे तृतीय विभक्ति अस्ति, तो यहां पर पहला आपका आम आ जाएगा, चौथा जो है वो आपका आम रहेगा, ना रहेगा, फिर आपका आम रहने वाला है, ठीक है। बढ़िया से करो कंप्लीट, आप तो ये हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, यहाँ से अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा, मैंने भर दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। बहुत ही बेहतरीन से इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलने भी वाली है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कुछ इस तरह का रहेगा, ये ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा यहाँ से, ये कम का कम कथित ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना आपसे कवर हो सकता है कर लो इनमें से। बाकी अपन अभी लॉन्ग वीडियो जो चलेगा अपना, उसमें है ना इन सबको कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप तो कंप्लीट करो, बाकी चीज़ें आपको जानता भी आपको अनावश्यक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। ये वाच्य परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद यहाँ से ये हो गया है, यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 और 20 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में यहाँ से था, ये क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, 22 और 23 ठीक है। भैया बढ़िया से तरीके से आप तो मेहनत करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या आती है तो कोई भी धड़क रहिएगा। मैंने आपको ये अंतिम पेपर था अपना एफ वाला, ए भी डाल दिया, बी भी डाल दिया, सी भी डाल दिया, डी भी और ई भी, ई तक पूरे कंप्लीट करा दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से मेहनत करिए आप तो, है ना।